हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के पिन के बारे में कि कैसे हम गूगल एडसेंस का जो एड्रेस होता है वो वेरीफाई कर सकते हैं। ये लेटर मेरे को गूगल की तरफ से मिला है 2 दिन पहले, तो इस वीडियो में हम देखेंगे पूरा प्रोसेस कि कैसे हम अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे इसके बाद की प्रोसेस रहती है और कैसे हमारी पेमेंट हमारे अकाउंट के अंदर आती है फिर $100 का थ्रेशोल्ड कंप्लीट होने के बाद। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो लास्ट तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो ये है गूगल एडसेंस का पिन, चलिए इसको खोलते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह का एक मेल आपको गूगल की तरफ से मिलता है जिसकी 3 साइड में स्ट्रिप्स होती है, उसको आपको रिमूव करना होता है और इसके अंदर आपको अपना गूगल का पिन मिलता है जिससे आप अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हो गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन करके। तो ये आप 2 दिन बाद मंगवा सकते हो अगर आपको नहीं रिसीव होता तो। अगर फिर भी आपके एरिया में ये नहीं पहुंचता है तो आप मतलब आधार कार्ड से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो एड्रेस को। तो इस तरह का एक पिन आपको इसके अंदर मिलता है 6 डिजिट्स का और ये सबके लिए यूनिक हो सकता है। और इसके साइड में पूरे जो स्टेप्स होते हैं वो भी लिखे गए हैं कि कैसे कैसे आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना है, आप इसको देख सकते हो। और कुछ इस तरह का ये मेल आपको मिलता है। तो दोस्तों, चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर बताता हूँ आपको कैसे आप इसको वेरीफाई करोगे। तो सबसे पहले गूगल एडसेंस का अकाउंट आपको ओपन करना है जिस जीमेल से आपका रजिस्टर है, आप साइन इन कर लेंगे। तो मैंने ओपन कर लिया गूगल एडसेंस का अकाउंट। तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा और यहीं पे आपको वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस का भी ऑप्शन मिलेगा, आपको वेरीफाई पे ओके करना है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक तो अपनी आइडेंटिफाई वेरीफिकेशन करना पड़ता है कोई भी आधार कार्ड या वोटर आईडी के थ्रू, और दूसरा आपको एड्रेस वेरीफिकेशन करना पड़ता है जो आपको मेल के अंदर जो ये यूनिक पिन रिसीव हुआ है। तो ये पिन है 171035, तो मैं इसको वेरीफाई करता हूँ अकाउंट को। सो इसके बाद में आपको इसको सबमिट करना है। आपको इसके अंदर 3 अटेम्प्ट्स मिल सकते हैं, आपको गलत टाइप नहीं करना है, गलत टाइप करोगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका वेरीफाई हो जाता है। और इसके बाद आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो, साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपने इससे पहले कर रखा है तो भी कोई बात नहीं, बाद में भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसके अंदर पेमेंट पे क्लिक करके अपना पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो कि आपको पेमेंट कौन से अकाउंट में रिसीव करनी है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, पेमेंट इन्फॉर्मेशन और वेरिफिकेशन चेक। पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे करने के बाद, जैसे मेरा यूट्यूब से कर रहा हूँ, मैंने यूट्यूब ऑप्शन चूज़ किया। तो इसके बाद आपको पूरी पेमेंट की हिस्ट्री दिख जाएगी। यहाँ पर आपके $100 कंप्लीट होने के बाद आपका ये पेमेंट जो भी आपने अकाउंट नंबर इसके अंदर दिया है उसके अंदर रिसीव होगा। तो ये मेरा चैनल अभी मोनेटाइज हुआ था तो इसके अंदर $17 अभी है। तो इसके बाद आप इसके अंदर मैनेज पेमेंट मेथड भी कर सकते हो, अपना कोई भी अकाउंट इसके अंदर ऐड कर सकते हो इस पर क्लिक करके, जैसे मैंने तो ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो इसी तरह से आप कोई अनदर अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप जो अकाउंट है उसको रिमूव भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो ये कुछ इसकी प्रोसेस रहती है, पहले अपना एड्रेस वेरीफाई करना पड़ता है और आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। तो जैसे ही आपका ये डन हो जाता है तो 21 से 30 तक आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है। दोस्तों, यही थी सारी प्रोसेस वेरीफाई करने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।